हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आवेश, बेसिक से। ठीक, बेसिक से आवेश पढ़ाऊंगा। तो देखो, आवेश क्या होता है? ठीक, आवेश की जो खोज की थी वो की थी विलियम किलवर्ट ने। विलियम गिलबर्ट ने जो खोज की थी वो विलियम गिलबर्ट ने की थी, लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कि आवेश होता है, किसी दो चीज़ को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया, इतना भी बता दिया कि ये दो प्रकार का होता है, पर ये नाम नहीं दिए इन्होंने, नाम नहीं बताए। ठीक, नाम नहीं बताए विलियम गिलबर्ट ने खो जो बताया था। फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने बताया आवेश, आवेश के जो नाम दे वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, ठीक, और एक ऋणावेश। ठीक, इन्होंने बताया जैसे दो चीज़ को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न, कंघी होती है, कंघी अपने बालों में रगड़ के किसी छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओ तो अपनी ओर आकर्षण करने लगती है। ठीक, तो जो आवेश की खोज की थी वो करी थी विलियम गिलबर्ट ने। ठीक, और जो इनके नाम दिए थे वो दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, देखो आगे क्या होता है। विलियम गिलबर्ट, ठीक, देखो आवेश, आवेश एक होता है धनायन, ठीक है, धनायन, एक होता है ऋणायन। ऋणायन, ठीक है, ऋणायन जो भी है, ऋणायन एक होता है, ऋणायन एक होता है धनायन। ठीक है, जैसे धन धन हो तो वहाँ का होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक, एक मिनट, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण। और जहाँ माइनस 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 हो वहाँ भी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, माइनस माइनस हो वहाँ भी प्रतिकर्षण। यहाँ तो समझ आया, ये देखो अगर एक समान आवेश हो तो वहाँ प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये अगर माइनस प्लस हो तो वहाँ आकर्षण होता है, आकर्षण, और प्लस माइनस हो वहाँ भी आकर्षण ही होता है। ठीक, वहाँ भी आकर्षण ही होता है। वहाँ भी आकर्षण ही होता है। देखो आगे, वहाँ भी आकर्षण ही होता है। जैसे लड़की और लड़का, अब मैं बता रहा हूँ आपको देसी में, यानी ये लड़का और ये लड़की, कभी आपने लड़के को लड़की से प्यार होता देखा है? देखा कभी भी? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। ठीक, इन दोनों का अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, और इनका